नमस्कार। क्या हुआ सर? जी मैं पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पासपोर्ट? 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 पक्का ही मेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी होगी। मैं सोच ही रही थी नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँ। मेरा बेटा कनाडा में है, न जाने उससे कब मिलना होगा। रेणु, यानी तेजस की इस हरकत में तू भी शामिल थी? तूने ही किया ये सब? तुम्हें सब पता था ना रेणु? जी सर। तेजस देशमुख के पुराने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आया हूँ। क्या? उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, मैं उसकी इंक्वायरी के लिए आया हूँ। मतलब तेजस कनाडा में नहीं है। ओम सिद्धिविनायकाय नमः, ओम मयूरेश्वराय नमः, ओम महागणपते नमः। सच्ची? वो दरवाजे पे मस्त रंगोली बनी है ना? कोई नई बाई रखी है अपन ने? बाई नहीं, बाई को वो भी तेरी। साहिली ने बनाई है रंगोली, जब से आई है रोज बनाती है। अब जाके लगता है घर में लक्ष्मी का वास है। अरे बाबा, खर्ची वर्ची सब काट के ना 20,000 कमाया मैंने। अभी देख, घर में लक्ष्मी आई है और बरकत होगी। तेरी मेहनत की कमाई है तो तू तेरे बीवी को दे। चल पकड़ पैसे, बाबा ने बोला जाने को। इस कमाई पर भी पहला अधिकार आई का होना चाहिए। आई, पैसे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाडले के पैसे। मैं सिर्फ अपने बेटे तेजस से लूंगी और वो भी हक से, समझ लो। तेरी वजह से कांटे चुबा के गई ना मेरे को। तेरे को मैं पहले पैसे दे रहा था, ले लेती वरना मना कर देती। काय को ज्ञान दे रही है? तेरे को कोई बोला क्या ज्ञान दे? बाबा बन इधर। चली बड़ा, तू पैसे रख ले। सचिन दे, चल। ये आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।